कैसे हैं आप लोग? एक छोटा सा ब्लॉग देवता गंगवाल के एक पर्सनल मनी रत्न चैनल पे है, और ये अनप्रिडिक्टेबल ब्लॉग है क्योंकि यार ये कोई ऐसा नहीं है कि बोल के बताया गया है। छोटे छोटे शॉर्ट्स लूंगा और तब लूंगा जब वीडियो नहीं बनाए जा रहे हैं। मेरे साथ में हमारे टीम है पूरी, मिलन सर जी, हेलो हेलो, और हमारे दीपक सर, और यहाँ हमारे टीम। और अभी आज फाइनल है क्योंकि अभी हमें थोड़ा जल्दी करना है क्योंकि एक बजे यहाँ बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, इसलिए अभी एक छोटी सी क्लास और देनी है इनको कि किस तरीके से हम इनको बैकअप और सारी चीज़ देंगे। तो चलिए, ओके। मतलब 10 लोग आए हैं बैकअप के लिए और पता नहीं कितने कितने कौन से बैच के हैं। ये पर्सनल ग्रुप का, वेरी गुड। क्या करता है तो यहाँ पर उठ जा और यहाँ खड़े हो जा, उठ जा, ऐसा ठीक है, ठीक देखो रूम क्या मैंने बहुत बढ़िया आ रहा है। चलो ऐसे हम लिख, ओके सर, गेट रेडी सर। यस सर, ओके, वन मोर और अभी ये झूम 1x में ले रहा हूँ। विक्ट्री साइन। यस सर नेक्स्ट वीडियो लो एक छोटा सा। तो नेपाल, yes, sir. Yes, sir. मैं चाहता हूँ इस बिल्डिंग की मजबूती और नेपाल तक आवाज जाती है कि नहीं जाती है। yes, sir. Yes, sir. Last bar. Yes, sir. चलो ठीक है, कंटिन्यू, गेट सेट गो सर। यस सर, इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। क्या बताए, किस्मत देखो, 49,000 ले लो। मैं तो अभी भी देना, मेरे को पैकेट लेना है भाई। सोचो शर्म कहाँ, बड़े नहीं सर। अरे कार बाद में आ जाएगी, पहले ले ले। हाँ ना सर, दोनों ले लेंगे एक साथ। तू क्या है सो हमारे सर्टिफिकेट की कॉपी तो कर सकते हो मिलन सर, सर्टिफिकेट की कॉपी तो कर सकते हो। नहीं नहीं, बारकोड का, बारकोड चोरो, मतलब इसके अंदर का कोड कहाँ से लेके आओगे? चलो सर्टिफिकेट कुछ मायने नहीं रखता, सर्टिफिकेट की कॉपी कर लो, नॉलेज कहाँ से लाओगे? बस वही है मेन सर, नॉलेज कहाँ से लाओगे? सर्टिफिकेट क्या है सर, सर्टिफिकेट हम पैसा देंगे तो ऐसे ही बन जाएगा, वैसे ही बन जाएगा, सोने का, सोने का वो भी, यहाँ हीरा लगा रहेगा, यहाँ हीरा, यहाँ हीरा, फिर क्या होगा, फिर क्या है, टांग के रखोगे और क्या है सर। दुर्गेश सर, फेसबुक में कितना कमा रहे हो पैसा? आजकल वो दुर्गेश सर ने एक वीडियो देख लिया, चोरी का मोबाइल कैसे अनलॉक कर रहे, उनने भी वीडियो चिपका दिया। नहीं मगर मैंने बोला कि करना नहीं, 5,06,00,000 व्यू, 5,00,000 चले गए आज आज आज। तो यार अभी पता नया पैदल आ गया है, देखते हैं। तो ये है हमारा आज फेयरवेल का दिन, और फेयरवेल के दिन हम केक वेक नहीं काटते हैं, केक फेयरवेल के दिन हम केक काटते हैं क्या? केक नहीं, नहीं, नहीं। केक काटना हमने यार 1-2 साल पहले बंद कर दिया था, है ना, क्योंकि बाकी लोग तो करेंगे ना। अभी हम अगर नीले कलर की पहन लेंगे टी शर्ट तो बाकी लोग भी नीले कलर की पहन लेंगे टी शर्ट। यस बुक तो दिखाओ, एक बार बुक दिखाया जाए। तीन साल से आप इस लाइन में हैं, आपको कहाँ पे ऐसा महसूस हुआ कि आपको आना पड़ेगा? उसको आने लेंगे, नॉलेज नहीं था, बाबू राम बहुत बढ़िया, तुमको बहुत मजा आया तुमको पढ़ाने पढ़ाकर, और मैं बहुत खुश हूँ तुम जैसे स्टूडेंट मिलते हैं। तो बहुत ज्यादा सर, आपको जो टेक्निक है ना वो सबसे बेस्ट लगा। अच्छा, आप एक बार में बोलते सिखाते हो नहीं, मैं पता है एज अ टीचर, पता है जब मैं सोचता हूँ, मैं इंसान से डिस्कस करता हूँ एज अ टीचर। आओ जरा
एज अ टीचर मैं इनसे जिसका था ये सेल्फी नहीं लेते था। शकील कहाँ थे यार? सर मैं चैन की कोई बात नहीं आओ एक अपने ले ली नहीं वाली तुम्हारी मेरे से बिल्कुल सर ये दूसरा लाइन सा है इस लाइन में काम कर रहे हैं सर काम कर रहे हैं बॉटल में आने यहाँ आने के बाद हमको बहुत अच्छा नॉलेज मिला इस पर मैं काम कर सकता हूँ अपने गांव में जैसे को लिंक दो लिंक दो सर यहाँ पर पहले थ्योरी बताया जाता है जाता है जो आप सबको समझ बहुत अच्छा सा आ रहा है अनुकूल बहुत अच्छा सा आया सर चलिए उसके बाद हमें बात करो सॉफ्टवेयर की क्लासेस बहुत अच्छा लगा सर सॉफ्टवेयर तो कभी किए नहीं थे कि सर इतना दुर्गेश सर बताया अच्छा सा कि बहुत दिमाग में अच्छा से सोच गया सर अभी कोई मोबाइल का अनलॉकिंग या फिर भी या फाइल चाहिए इसी देख लिए सबै अब गर्न सक्छु जो हाम्रो यहाँनिर देव सरले एकदम जस्तो राम्रो मोबाइलको कम्पोनेन्ट्सको बारेमा आइसीको बारेमा राम्रो बताउनुहुन्छ राम्रो दिनुहुन्छ राम्रो सिकाउनुहुन्छ राम्रो बन्नुहुन्छ जस्तो राम्रो मतलब अच्छा हाँ अच्छा सर एकदम अच्छा सर मैले नेपालमा खुब राम्रो दिया अनि अझ मलाई यो खुसी केमा लाग्यो भने जस्तो कि बाबाआमाले जस्तो माया गर्नुहुन्छ नि त्यस्तै हाम्रो यहाँको सरहरू एकदम गुरु एकदम आदर सत्कारको साथ हामीलाई एकदम डिसिप्लिनका साथ सिकाउनुहुन्छ जस धेरै आत्मादेखि नै खुसी लागेर आयो मलाई होइन उसको लागि अब धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो यहाँको एसिया टेलिकमको जति सरहरू हुनुहुन्छ सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँहरूकै मार्फतबाट जस यो ज्ञान पाएँ यो सिप सिकेँ र भोलि म केही गर्न सक्छु भने मलाई पुरा विश्वास छ थ्याङ्क यू सर बिल्कुल अलग ही जेन्युइन है ये यहाँ पर बताओ सर मैं विजय बैराग इंदौर से हूँ एमपी से एशिया टेलीकॉम का अभी तक का सफर बहुत शानदार रहा सर बहुत कुछ सीखा सर बहुत कुछ सीखा बहुत पाया और लाइफ में आगे बढ़ने का बढ़ना यहाँ से आने के सर बताओ कि हम जब आते हैं सोच के घर से इतनी दूर दुकान वकान छोड़ के कि सोच के क्या हमारा पैसा तो ठीक है पैसा बर्बाद होगा तो कोई नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाएगी बट समय टाइम वेस्ट और गलत ज्ञान नहीं होना चाहिए नहीं। ये बताओ गलत ज्ञान आके अगर किसी से जाते भी मैं गया भी हूँ अगर वहाँ से आपने नॉलेज लेके काम करा तो मोबाइल तो बिगड़े साथ में सही बात है और फिर एक डीमोटिवेट मोरल गिर जाता नहीं हो पाता है तो फिर लाइन छोड़ने का ऐसा लगता है कि अब जब इतनी जगह जा चुके हैं कोई फायदा नहीं है तो हर जगह जाएंगे तो ऐसे ही होगा वही तो सर वो नेगेटिविटी आ जाती है उसकी वजह से पर यहाँ आके सब कुछ अब कर पाएंगे और कहीं रुकेंगे भी तो फिर वापस आएंगे लाइफ टाइम वापस बहुत सारे लोग हैं तुम्हारा कॉल उठाने के लिए यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ एक है पूरी टीम है सर सपोर्ट के लिए पूरी टीम खड़ी और सारे लोग वेल एक्सपीरियंस है और सब लोग एक टीचर के साथ कॉल सपोर्ट है व्हाट्सएप पे ग्रुप में नो प्रॉब्लम और एनी टाइम टू टाइम आप एक बार मंथ में दो बार भी आ सकते हो 9 तारीख को एक हमारे स्टूडेंट भी आया होगा तो उसे भी मिलवाता हूँ क्योंकि ये तो पर्सनल ब्लॉग है नहीं 19 के भी आए थे सर 2019 सोचो 2022 में 2019 है ना कौन बुलाता है और लोग पता है क्यों नहीं बुलाते क्योंकि हर इंस्टीट्यूट वाला बिजनेस चाहता है कि नया लोग आए पैसे आए पुराने लोगों को पढ़ा के वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं सपोर्ट देते हैं वही देते हैं जो नहीं देते वो पैसे ले देखो इन्हीं की क्लास है
बिल्कुल फ्रेशर अभी तक मैं तो ये नहीं की क्लास बोला भी नहीं यही लोग बैठे हुए लेकिन आज जिनको पढ़ा रहे हैं उन्हीं की क्लास देखो आगे जाके अच्छा मतलब राइट नॉलेज से मिल जाए हार्डवेयर की नॉलेज या सर्किट डायग्राम की नॉलेज डीएसओ ये बहुत वैल्यूएबल बहुत वैल्यूएबल है बिल्कुल अभी क्या रखने का कि रखने का चेक भी करने का बिल्कुल चेक भी करने का ना चेक करने के लिए रखना है डीएसओ कितना वैल्यूएबल अच्छा टूल कितने में वैल्यूएबल है बताओ टूल हर टूल वैल्यूएबल है सर टूल नहीं रहे तो काम ही नहीं कर सकते ना एक क्या बोलना चाहोगे कि टेक्नीशियन के पास में जो माइक्रोस्कोप के बिना या कुछ जैसे जिसके पास ये नहीं है मैं ये समझता हूँ तो वो पहली बात तो ग्लू पे काम करते ही नहीं होगा आईसी पे काम नहीं करता होगा राइट क्योंकि ये वही जान सकता है जो आईसी पे काम करता है ग्लू पे काम करता है डीएसओ कितना इंपॉर्टेंट है कहाँ यूज कर सकते हैं ये बताओ कहाँ मतलब कब यूज आएगा कब नेटवर्क फ्रिक्वेंसी कब 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 की कब लगेगा कि डीएसओ यूज करें चार्जिंग सेक्शन में भी यूज कर सकते हैं स्विचिंग कब कब मतलब कि जैसे मान लो एक लोग कहते हैं कि सर हम तो मल्टीमीटर से काम कर लेते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल है आप मल्टीमीटर से क्या क्या चेक कर सकते हो जी हाँ चेक कर सकते फ्रिक्वेंसी मल्टीमीटर से मल्टीमीटर से फ्रिक्वेंसी वोल्टेज जी हाँ अब मान लो अभी मिपी की लाइन है इधर आप मान लो एक मिपी की लाइन है डिस्प्ले में कितने पाँच की दस 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 होती है ना मिपी की लाइन कहाँ से आती है सीपीयू से आती है तो उस लाइन पे जीआर आप इस मल्टीमीटर से चेक कर सकते हो आप वोल्टेज भी चेक कर सकते हो पर फ्रिक्वेंसी चेक कर सकते हो क्या तो आप वहाँ सीपीयू रिवोल्व कर दोगे लगा दोगे रिवोल्व कर दोगे तब भी ग्राफिक्स नहीं आया तो फिर तब ये काम में आएगा ना नेटवर्क सेक्शन में एक्सो की लाइन नेटवर्क सेक्शन में आरएफएफई डाटा ये सारी चीज में तो फ्रिक्वेंसी चलती है ना सर क्या बिना फ्रिक्वेंसी इससे सब कुछ हो जाएगा क्या नहीं सर नहीं होगा ना कमांड लाइन तक भी आपको आपको ये नहीं कह रहा कि जाते समय लेना है बट आपको नॉलेज आपको आना है कि अब आपको पता चल गया कि लेना है आगे ये बात है ना अगर सिखाते ही नहीं ये नहीं करते तो जिंदगी में कभी नहीं लेते और एडवांस लेवल का मतलब क्या सर ग्रुप में डाल दिया ठीक है देख रहा हूँ कहाँ डाले ये डाले अनिल सिंह को तो देखा ना मैंने उसके बाद कहाँ है डालो ये चलो ये भी डन सर शायद हो गया आज किसने पैसा दे के ले गया ऐसे ही सर फोटो ले सर नाम बाबू राम तो मेरे फेसबुक में हो जी सर हो देखा फेसबुक ओके लो सर इसमें क्लिक करना इसमें नाम पे नहीं रिक्वेस्ट है इसलिए रिक्वेस्ट है इसमें ढूंढो अपना नाम सर जा रहा है सेफ जर्नी और मैसेज करना सब लोग भाई है ना हाँ जो कि जितनी भी पॉसिबिलिटी है मैं तुम लोगों को अगर कोई दिक्कत होगी तो भी मैं हेल्प करूंगा ठीक है हो गया डन बस 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 खुश रहो खुश रहो तो ये शाम को दे दो ना अभी दीपक से सारे भिजवा देंगे आ जाए इधर बैठ जा चार बार पांच बजे की ट्रेन किसकी जिसके पास बुक करो डेली कितने बजे रात को है ना ये बोलो को दे देना अगर जल्दी आए तो बुक देना मैं दीपक सर का दो बुक करता हूं ठीक है तू जल्दी आ तो उसको ले आना मैं बुक करता हूं अरुण भाई दे दो इसको और सर आप लोग मत देना अरे ऐसे मत देना सेल्फी लो ना ज्यादा बेस्ट है हाथ दिखा दे तुम्हारा चेहरा कैसे छुपा मंडल वर्दी उतार देना हाँ पिथवास
अरे पवित्र पवित्र वर्दी वर्दी रख दो अपने। ये मेरे घर से 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर अरे बगल में। ये जब जाएंगे ना डस लेना इनको, मैं तो जब कब जा रहे हैं। 30 किलोमीटर भी नहीं जा रहा। हाँ ये घर जाके बैठ जाना इनके, सटे बटे सब हो ध्यान। जगह क्या क्या नाम क्या है? दीघा। दीघा 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 तो तुम्हारे यहाँ से समुद्र भी पास में ही होगा। घूमने के लिए आता हूँ, ज्यादा नहीं आता, कम आता हूँ। बाइक से आधा घंटा भी मिलन सर की खुशी देगा। एक तो मिला बगल से दिखते भी एक शरीर को। चलो जा रहे हो बस तो खुश हो। ग्रुप में डाल रहा हूँ ये, खाली ये देखते आप लोग ऐसे बनाना है ना, ये इसकी हाइट डालूंगा, इसकी हाइट डालूंगा, इसकी छोड़ आ जा जा जा, ये पट्टी के छोड़ है ना। ज्यादा पैसा नहीं लगाना, उसका जुगाड़ भी इधर वाला जुगाड़ भी डालूंगा, ये भी डाल दे। तेरा 1500 में ये टेबल बनवा दूंगा जरूर। चाहिए आशीर्वाद आगे जाएगा रे। बहुत वेरी गुड, शार्प माइंड है सर। जय आपको लगता है कि हाँ सर मुझे दो, मैं अभी एक ग्लू टेस्ट निकाल दूंगा, पर एक लूप आ जाएगा ना बीच। अच्छा सर फ्लाइट चला वो गलत है तो नहीं लाने नहीं है सर। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ भी हो जो भी सेटअप हो, जाते साथ में बैठ जाते साथ बैठ जाओ, मतलब बाहर से जाता हूँ छः दिन चार दिन और बिल्कुल मेरा लगे। हाँ छोड़ो ना, तुम हो फ्रेंड इसमें। तुम जैसे मैं कभी बाहर से आता हूँ ना, अभी नेपाल से आया चाहिए तो पता है, यही होता है ना कि जो हमको नहीं पता वो सिखाएंगे, जो हमको नहीं पता। और आज हमें ये पता चल गया है, कल जब हम लेंगे तो हम इसके बारे में फिर तो अब ये अनजान नहीं रहेंगे कि हमें पता है कहाँ लेना है क्यों लेना है। बिल्कुल यहाँ पर बोलते हैं कि जाते समय हम ये बोलते हैं कि पहले अपना काम करो, और अभी वही क्लासेस है कि कैसे करना है क्या करना है। बस जो अपनी कंट्री को मतलब इतना दिल में बिठाता है ना, एक लोग होते हैं ना जो अपनी फैमिली सर। वो फोन आए हैं घर से। हाँ और देखिए आज हमारा फेयरवेल है, यहाँ पे सारे बच्चे यहाँ पे फेयरवेल अटेंड कर रहे हैं। और ये क्या शकील? शकील शकील अहमद कहाँ से? शकील जी यूपी बिजनौर। यूपी बिजनौर से, बहुत अच्छी बात है। आप हैं और मेरे को पता ही नहीं था कि ये तुम्हारे बिल्कुल रिश्तेदार है। नोट 7 एक पोर्ट्रेट नोट 7 दो है काज लीजिए।